मैथमेटिक्स क्लास 8 डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 4 सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए सेटों में मुतरातिफ सेट चूज करें, सिलेक्ट करें, यानी कि यहाँ पर जो हमें ये फोर पार्ट्स दिए हुए हैं, हर एक में दो दो सेट दिए हुए हैं, हमने इनमें बताना है कि कौन से मुतरादिफ सेट यानी कि इक्विवेलेंट हैं। अब हमें इक्विवेलेंट सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है कि इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर ऐसे सेट होते हैं जिनमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेटों के बराबर हों, वो हमारे इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट एक बार फिर रीड कर रहे हैं। चूज द इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट सेट्स यानी के मुतरातिब सेट, दर्ज ज़ैल में से मुतरातिब सेटों की शनाख्त करें या मुतरातिब सेटों का इंतखाब करें। तो हमें यहाँ पे चार पार्ट्स गिवन है, हर पार्ट के अंदर दो दो सेट दिए हुए हैं, हमने इसमें बताना है कि कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं यानी कि मुतरादिफ हैं और कौन से गैर मुतरादिफ यानी कि नॉन इक्विवेलेंट हैं। अब इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरकान की तादाद बराबर हो, वो इक्विवेलेंट होते हैं, और जिनमें एलिमेंट्स की तादाद इक्वल ना हो वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं यानी कि गैर मुतरादिफ होते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ए सेट गिवन है ए बी सी डी, और बी के अंदर हमें गिवन है 2, 4, 6। ए सेट के अंदर फोर एलिमेंट्स हैं यानी कि चार अरकान, और बी सेट में तीन एलिमेंट्स यानी कि तीन अरकान हैं, तो 4 और 3 यानी कि एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, अरकान की तादाद बराबर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, और उर्दू में इसको लिखेंगे गैर मुतरादिफ सेट। सेकंड पार्ट में हमें दो सेट्स गिवन है सी एंड डी। सी पार्ट के अंदर 1, 3, 5, 7 फोर एलिमेंट्स यानी कि चार अरकान है, और डी सेट के अंदर 0, 1, 2, 3 फोर एलिमेंट्स यानी कि चार अरकान है, दोनों के अंदर फोर एलिमेंट्स चार अरकान है, तो ये सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। हम यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, और उर्दू में इसको लिखेंगे मुतरादिफ सेट। थर्ड पार्ट में गिवन है ई इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल लेटर्स, और एफ सेट गिवन है एल एम एन ओ पी। अब सेट ऑफ वॉवल्स हमें पता होना जरूरी है कि सेट ऑफ वॉवल्स के अंदर हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवल्स होते हैं। अब इनकी तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, और एफ सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इसमें भी 5 अरकान है, इसमें भी 5 अरकान है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल हैं, तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। हम यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, और उर्दू में लिखेंगे मुतरादिफ सेट। फोर्थ पार्ट में गिवन है जी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 एलिमेंट्स यानी के 5 अरकान है, और एच सेट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 एक एलिमेंट है इसलिए ये 6 हो जाएंगे, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 हैं, इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है, एक रुकन ज्यादा है, लिहाजा ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। हम यहां पर लिखेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, और उर्दू में अगर आप लिखना चाहेंगे तो गैर मुतरातिफ सेट। आज हमने क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने बताना था कि कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हैं और कौन से नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।